बेटी के साथ ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि अगर जितनी भी लेडीज है वो सेपरेट जाके आज की ट्रेनिंग अटेंड करें तो उनके लिए अच्छा, बिकॉज आज हम प्रीवी वॉश में भी थोड़ा बात करेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज जो नॉर्मली लेडीज किसी से बात नहीं कर पाती है, तो आज उसके ऊपर भी हम कुछ चीजें लेने वाले हैं। तो आज की ट्रेनिंग में लास्ट तक बने रहेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मिलने वाली है हमारे पर्सनल केयर रेंज पे। तो मेरा नाम श्वेता राय है, हार्वेस्ट की प्रोडक्ट ट्रेनर हूँ। इंडिया के अभी तक बहुत सारे स्टेट्स में मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है, अभी तक 400 से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया में मैंने प्रोडक्ट ट्रेनिंग की है। आज हम कौन से तीन प्रोडक्ट पे बात करने वाले हैं। एक जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा जेंट्स जो शेविंग क्रीम जो मार्केट में यूज करते हैं, हमारा उस पर शेविंग जेल है। दूसरा हमारा एक रोज प्रीमियम हैंड वॉश आप कह सकते हैं, और तीसरा एक लेडीज के इंटीमेट वॉश के लिए हमारे पास एक प्रीवी वॉश है। तो आज सब पे हम डिटेल में जाकर बात करेंगे, और आप डिफरेंस जरूर नोट करिएगा कि मार्केट के जो प्रोडक्ट्स हैं और अपने प्रोडक्ट्स में। मैं आपको कुछ कॉम्पिटिटर के नाम भी बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा कि हमारे प्रोडक्ट एक एक प्रोडक्ट पे हमारी कंपनी कितना ध्यान देती है। सबसे पहले आज हम बात करते हैं वो है हमारा एक्टिव फ्रेश शेव जेल। ये जेंट्स के लिए है, शेविंग जेल एक बनाया गया है। कहते हैं जो जेंट्स के जो फेस के बाल होते हैं ना वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, और कहते हैं एक बार जब जेंट्स एक शेव करता है लगभग 25,000 बाल को एक साथ शेव करता है, तो विदाउट अपनी स्किन को हार्म किए, उसको बिना कोई डैमेज पहुंचाए, और एक शेविंग क्रीम जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपकी स्किन को। लेकिन उसके कुछ और भी काम है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, मतलब मॉइस्चर को पकड़ के रखने का भी काम एक शेविंग जेल का है। शेविंग अगर जेल आपका अच्छा है तो उसका ये काम जरूरी है, ताकि आपको ज्यादा जो है फोर्स ना लगाना पड़े शेविंग के टाइम पे। आप जब शेविंग क्रीम लगाते हैं तो आपकी स्किन और ब्लेड के बीच में एक लेयर बन जाती है, ताकि कोई रेजर वगैरह की जो कट वगैरह है वो आपको ज्यादा ना हो, और एक ट्रैकिंग में भी मदद करता है। जैसे आप इस फोटो में देख रहे हैं, आपने पूरे फेस पे जब ये जेल लगा लिया तो जो आप शेव करते थे ट्रैक जैसा आपको दिख जाता है, मतलब जहां जहां शेव किया वो भी पता चलता है। और शेव करने के बाद आपको एक फीलिंग, रिफ्रेश वाली फीलिंग आनी चाहिए, आपको रिफ्रेशिंग फीलिंग आनी चाहिए, आपको स्किन सॉफ्ट लगना चाहिए। इसीलिए अगर बात करें, हमारी कंपनी जो प्रोडक्ट लेकर आई है ग्लाइडो मैक्स फॉर्मूला बेस, मतलब इजिली आपके स्किन पे ग्लाइड करता है, फिसलता है, चलता है। ये जो प्रोडक्ट है इसमें हमने बहुत माइल्ड सोप कॉम्प्लेक्स डाला है, मतलब याद रखिएगा माय फ्रेंड, हमारी कंपनी ने जो भी अपने प्रोडक्ट में डाली है चीजें वो सारा कुछ सेफ है, और आपकी स्किन पे कोई हार्म इफेक्ट नहीं देता। बहुत ही माइल्ड सोप कॉम्प्लेक्स डाला है जो आपकी स्किन पे बहुत इजी से ग्लाइड करेगा, आपके स्किन पे जाएगा और आपकी स्किन को एक क्लीन सेफ देगा बिना किसी इंफेक्शन या सूजन। नॉर्मली होता है कि कभी कभी रिएक्शन हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन या सूजन वगैरह हो जाता है, तो उससे बचाने में मदद करता है। इसमें एक यूनिक चीज हमने एलेंटोइन डाला है, जो क्या करता है, आपको कोई कट लग जाता है तो उसको हील करने का काम करता है। तो याद रखिएगा ये एक नेचुरल एक चीज इसमें डाली गई है जो रूट से निकाला जाता है, जड़ से निकाला जाता है, कुछ प्लांट्स के जड़ से, जैसे कैमोमाइल हो जाता है, लोटस जिसको हम कमल कहते हैं, उसके जड़ से एक नेचुरली डिराइव्ड चीज है, नेचुरली निकाली गई चीज है। और यहाँ पे एक बेंचमार्क आप क्या याद रख सकते हैं, मार्केट के प्रोडक्ट में वो मैक्सिमम एलोवेरा वगैरह डाल देते हैं एक नेचुरल टच देने के लिए। हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हमने एलेंटोइन भी डाला है और प्लस हमने इसके साथ एलोवेरा भी डाला है, जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, उसको सॉफ्ट रखता है, और ऊपर की स्किन पे अगर कुछ कट वगैरह है तो उसको हील करने का भी काम करता है। तो इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और एलेंटोइन दोनों हमने डाला है, जो एक यूनिक प्रॉपर्टी हमारे प्रोडक्ट की है। अब अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि हमारे सारे स्किन केयर बॉडी केयर के प्रोडक्ट में हमने मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला है। तो अगर हमने लेडीज के फेस वॉश में या लेडीज की कोई क्रीम में डाला है तो जेंट्स की भी तो स्किन, उसको भी तो मिनरल और जिंक की जरूरत है, तो हमने इसमें भी ये जिंक और कॉम्प्लेक्स डाला है, जो आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। जो क्या करता है, हमारी स्किन पे जो ऑयल ज्यादा बन रहा है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है, आपकी स्किन को यंग रखने में, फ्रेश रखने में मदद करता है, क्योंकि इसमें जिंक और कॉपर भी डाला गया है। मैंने आपको पहले दिन ही एक चीज बताई थी, हमारा प्रोडक्ट एक काम नहीं करता। जैसे मैंने आपको आयुर्वेदा के हेल्थ केयर में क्या बताया, अगर आपका कोई प्रोडक्ट आपकी लिवर पे काम कर रहा है तो लिवर को हर तरीके से अच्छा करता है। अगर आपने ये शेविंग जेल यूज किया तो ये शेविंग जेल बस शेव में ही कर रहा है, आपकी स्किन को भी अच्छा रखने में मदद कर रहा है, कोई कट जाए तो उसको हील करने का भी पावर रख रहा है। इसलिए हमारे प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट पे कंपनी बहुत ध्यान देकर माय डिफेंड बनाती है। यहाँ पे एक थोड़ी सी साइंटिफिक चीजों में मैं जाऊंगी, वो क्या है, इसमें हमने माइल्ड सर्फेक्टेंट डाला। सर्फेक्टेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो हमारा लेदर होता है, फोम झाग जो होता है उसको बनाने में मदद करता है। मार्केट के मैक्सिमम आपको चीजों में सोडियम लोराइल सल्फेट मिलेगा,
जो आपके स्किन को हार्म करता है। हमने इसमें सोडियम लॉरेल सर्कोसिनेट डाला है, वो नेचुरली निकाला जाता है और ये बहुत माइल्ड होता है, बहुत ही लाइट होता है, आपकी स्किन पे कोई इसका असर नहीं होगा, कोई डैमेज नहीं करेगा, ये नेचुरली निकाला जाता है और आपकी स्किन को जो इन्फ्लेमेशन वगैरह है, कट वगैरह जाता है, जो सूजन वगैरह, उससे भी ये प्रिवेंट होता है, बचाता है। तो इसके हमने फीचर्स क्या देखे, माइल्ड है, जेंटल है, स्किन पे शेविंग में हेल्प करता ही है, प्लस आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, इसको सेफ, आपके स्किन को सॉफ्ट करता है। मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में आपको इसमें ये ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। हमने इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट भी डाला है और हमने कुछ ऐसी चीजें भी डाली है जो आपको बहुत ही सेफ एक्सपीरियंस देता है, प्लस हमने इसमें जिंक और कॉपर भी डाला है ताकि आपके स्किन पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले और आपकी स्किन जो है वो अंदर से हेल्दी हो। तो मैंने आपको पहले बताया बस ये शेविंग में हेल्प नहीं करता और भी इसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जैसे आप यूज, तो जितने भी जेंट्स उनको पता ही है, आप इसका एक ड्रॉप जेल लीजिए और आप इसको आप अच्छे से रगड़िए, जब इसमें पूरा झाग बन जाए, फोम बन जाए, तो आप अपना शेविंग कर सकते हैं। और हर एक स्किन टाइप के लिए बनाया गया है। और मैंने आपको क्या बताया, हर एक प्रोडक्ट में सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट। इस पे मैं एक चीज और रिपीट करूंगी, ये मैं पॉइंट इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि हर दिन, कल भी लगभग हजारों लोग हमारे साथ जुड़े थे, तो आज भी बहुत सारे नए लोग हैं, तो उनको इस पॉइंट का मतलब मैं समझा दूं क्योंकि आज वो पहली बार हमसे जुड़े होंगे। सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है, जो भी हमारे प्रोडक्ट है उसमें हमने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, बहुत सारी चीजें डालती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो एक्टिवली उसमें काम कर रही हैं, उसको हम एक्टिव इंग्रेडिएंट बोलते हैं। और वो जो इंग्रेडिएंट है, वो जो चीज है, हम टॉप एमएनसीज कंपनी से हम वो सोर्स करते हैं और उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस होती है, उसका प्रॉपर फाइलिंग होता है, तब जाकर इससे ये पता चलता है कि यस, हमने ये इंग्रेडिएंट अगर बोला कि हमारे शेविंग जेल में है, तो एक्चुअल में वो चीज हमारे प्रोडक्ट में अवेलेबल है। तो इसका एक सर्टिफिकेशन मिलता है जो आपको शायद ही किसी मार्केट के प्रोडक्ट में मिलेगा, सर्टिफाइड फॉर परफॉर्मेंस इंग्रेडिएंट, जो हमारे सारे पर्सनल केयर रेंज के प्रोडक्ट में पीछे आपको दिखेगा। हमारी कंपनी छोटी से छोटी चीज पे भी ध्यान देती है और इसको डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया गया है, 100% सेफ प्रोडक्ट है। बेंचमार्क की अगर बात करें तो हमारे इस प्रोडक्ट में एलेंटोइन है जो आपकी स्किन को हील करता है, उसको मुलायम करता है, मिनरल कॉम्प्लेक्स है। और प्लस माय डियर फ्रेंड, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मार्केट में जितने भी जेंट्स होंगे उन्हें जिलेट का नाम सुना होगा, जिलेट में ये कुछ भी, जो दो चीजें मैंने आपको बताई, ये कुछ भी उसमें नहीं है। तो मार्केट का जो लीडिंग ब्रांड है उससे भी हम सुपीरियर क्वालिटी आपको दे रहे हैं, तो ये आपको बेंचमार्क जो है ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा शेविंग जेल था जो आप जेंट्स जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट पे, हैंड वॉश। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा हैंड वॉश के ऊपर क्या ट्रेनिंग हो सकती है, मैं आपको बताऊं, हैंड वॉश एक बहुत ही जरूरी चीज है और आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे तो बहुत ही जरूरी चीज हो गई है, क्योंकि ये मैं नहीं कह रही है, मोदी जी भी आके टीवी पे कह रहे हैं कि हाथ धोना जरूरी है। बात करें हैंड वॉश की, हैंड वॉश इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब हम हैंड वॉश करते हैं, जैसा आप इस फोटो में भी देख रहे हो, मैंने स्पेशली ये फोटो यहाँ पे डाली है, जब आप हाथ में नहीं धोया है आपने, तो आपके हाथ पे बहुत सारे यहाँ पे आपको बैक्टीरियाज वगैरह दिख रहे हैं, जर्म्स वगैरह दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपने 30 सेकंड के बाद अगर आपने हाथ धोया तो आपका हाथ देखिए कैसा उसमें दिख रहा है, ये यूवी लाइट में आपके हाथ की फोटो है। हाथ जब हम धोते हैं तो जर्म्स निकल जाते हैं। कहते हैं जरूरी क्यों है हाथ धोना, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली अपना नाक टच करते हैं, मुंह टच करते हैं, आंख टच करते हैं, और कहते हैं अगर आप प्रॉपरली अपने हाथ को धोते रहेंगे तो डायरिया और सांस से रिलेटेड जो बीमारियां होती है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं, उससे हम बचाने में मदद करते हैं, आपकी स्किन को रोकता है बीमारियों से, इन्फेक्शन से, और आपके आंखों के इन्फेक्शन से ये दूर कर सकता है। कहते हैं जो इन्फेक्शियस डिजीजेस होती है ना, फैलने वाली बीमारियां, उसका बहुत बड़ा कारण है गंदा हाथ। मतलब आप हाथ अच्छे से अगर वॉश नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारी इन्फेक्शियस बीमारियां हमें हो सकती हैं। और कहते हैं बहुत सारी बीमारियां जो आपके डाइजेशन से रिलेटेड है, पाचन तंत्र से रिलेटेड है, या आपके सांस से रिलेटेड है, स्पेशली छोटे बच्चों में और बुजुर्ग में, और खासकर जिनका इम्यून सिस्टम कम है, अगर हाथ आप नहीं धोते हैं तो ऐसी बहुत सारी बीमारियों को लेकर आता है। कुछ शॉकिंग चीजों पे बात करते हैं। आपको पता है इंडिया में हर साल, पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में हर साल 18 लाख से ज्यादा बच्चे जो 5 साल से छोटे हैं वो डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारियों से मर रहे हैं। 18 लाख, इतने तो अभी तक कोरोना से भी नहीं मरे, जितने हर साल 5 साल से छोटे बच्चे, 18 लाख बच्चे हर साल मर जाते हैं क्योंकि वो प्रॉपरली हाथ नहीं धो पाते।
इसीलिए कहते हैं हर 3 बच्चों में से एक बच्चे को हम सेव कर सकते हैं डायरिया से, अगर वो प्रॉपरली अपने हाथ को धोए। हर 5 बच्चे से एक बच्चे को हम सेव कर सकते हैं किससे, सांस से होने वाली जो बीमारियां होती हैं जैसे निमोनिया वगैरह हो गया। अगर बच्चों को हम बचपन में ही आदत डाल दें हाथ धोने की, कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, बाद में हाथ धोना है, ये सारी चीजें अगर हम बचपन से उनके में आदत डाल दें तो हर 5 में से एक बच्चे को हम निमोनिया वगैरह ऐसी बीमारियों से होने से बचा सकते हैं। तो कितना बड़ा ये फिगर है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और एक शॉकिंग फिगर जो मुझे पढ़कर बहुत हंसी आई थी वो क्या है, आज एक ग्लोबली रेट देखा गया कि बस 19% ही ऐसे लोग हैं जो टॉयलेट के बाद भी हाथ धोते हैं। मतलब क्या है कहने का, ये डेटा मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ये आप CDC की वेबसाइट पे जा सकते हैं, मैंने नीचे वेबसाइट का भी लिंक दिया है, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उसका ये डेटा मैंने निकाल कर आपको दिखाया है कि हाथ धोना आज कितना ज्यादा जरूरी है। कहते हैं हाथ अगर आप नहीं धोते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, जब हम बीमारी से खुद को बचाते हैं तो हम बहुत सारे एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को होने से रोकते हैं। कैसे, आप जब हाथ धोते हैं तो कहते हैं 30% जो डायरिया रिलेटेड जो बीमारियां हैं उसको हम रोक सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली हाथ धोते हैं तो डायरिया जो होता है, डायरिया जो आपने बीमारी सुनी होगी उससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं आपको 30% आप उसको रोक सकते हैं। सांस से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, चाहे वो सर्दी खांसी है क्यों ना हो, 20% बीमारियां हम हाथ धोने से रोक सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने हाथ नहीं धोया या आपको ऐसी कोई बीमारी हो गई, आपको डायरिया हो गया, आपको सर्दी खांसी हो गई, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, मैक्सिमम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एंटीबायोटिक्स खाते हैं। जितना हम बॉडी में एंटीबायोटिक्स डालते हैं ना, आपके बॉडी का जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मतलब जब कोई चीज बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में आने लगेगी तो जो बैक्टीरिया है वो उनका उस पर कुछ असर ही नहीं होता है, और उनपे जब असर नहीं होगा तो वो जो बैक्टीरिया होंगे वो और ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाएंगे। मतलब अगली बार जब आप ऐसा कोई एंटीबायोटिक खाओगे तो उस बैक्टीरिया पे कोई असर ही नहीं होगा, मतलब उसको मारने वाली फिर कोई दवा ही नहीं बचेगी, आपको बीमारियों से जल्दी आराम नहीं मिलेगा। इसीलिए कहते हैं हाथ धोने से ही हम बहुत सारी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। इसीलिए अगर बात करें, हर वक्त हाथ धोना चाहिए, टॉयलेट के बाद हाथ धोइए, नॉर्मली जो बच्चों की नापीज वगैरह लेडीज चेंज करती हैं तुरंत हाथ धोइए, खाना बनाने से पहले हाथ धोइए, बनाने के बाद हाथ धोइए, खाना खाने के बाद हाथ धोइए, किसी बीमार बच्चे को हैंडल कर रहे तो आपको हाथ धोना है, स्पेशली अगर आप स्मोकिंग वगैरह कर रहे तो हाथ धोना जरूरी है, और अगर घर में कोई जानवर वगैरह है, कुत्ता वगैरह आपने पाला है तो उसकी वजह से भी आप प्रॉपरली हाथ को धोते रहिए। इसीलिए आजकल हाथ को धोने का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट किया गया है। लेकिन बात करें क्या अच्छा माना जाता है, हाथ सोप से धोना है या हैंड वॉश से धोना है। कहते हैं सोप जो होता है जब आप उसको यूज करते हैं तो आप देख रहे हैं सोप पे जो पानी वगैरह रहता है, फिर आप उसको यूज कर रहे हैं, 10 लोग उस सोप को यूज कर रहे हैं, उसमें और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए सेफर साइड क्या बोला जाता है, आप घर में हैंड वॉश रखिए कि एक बार उसको प्रेस किया, हाथ में क्रीम आ गया और आपने हाथ को वॉश कर दिया। इसीलिए हमारी कंपनी ने एक ऐसा मॉइस्चराइजिंग हैंड वॉश डाला है। माय डियर फ्रेंड, मैं आज इस कंपनी की ट्रेनर हूं इसलिए मैं आपको ये चीज नहीं बोल रही हूं, इस हैंड वॉश की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। जब से ये हैंड वॉश आया है ऐसा कोई भी दिन नहीं है कि इस घर में हैंड वॉश ये यूज नहीं हुआ हो। लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था कि हैंड वॉश खत्म हो गया था और जाने का टाइम नहीं मिल रहा था, प्रोडक्ट लाने का टाइम नहीं मिल रहा था, हमने मार्केट से एक नॉर्मल सा हैंड वॉश लाया। लेकिन जो इससे फीलिंग आती है ना, लिटरली जो भी लोग इसको यूज करते हैं वो ये फीलिंग शेयर कर सकते हैं, वो उनको बहुत अच्छे रिजल्ट इस हैंड वॉश से मिलते हैं। इसमें ऐसा क्या खास है, इसमें हमने ना रोज के एक्सट्रैक्ट डाले जो आपके हाथ को मॉइस्चराइज कर देता है और आपको एक बहुत अच्छी खुशबू देता है। तो अगर आपके हाथ पे कुछ इन्फेक्शन, अगर कुछ इरिटेशन वगैरह होती है, क्योंकि नॉर्मली जब हम हैंड वॉश करते हैं हमारे हाथ वगैरह बहुत ड्राई हो जाते हैं, तो ये रोज के पेटल्स, आपको लगेगा आप रोज से अपना हाथ धो रहे, आपकी स्किन को बहुत ज्यादा ये सॉफ्ट कर देता है, काम कर देता है। दूसरी चीज, हमने इसमें ओट अमाइनो एसिड डेरिवेटिव भी डाला है। इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया हमारी बॉडी के हर एक पार्ट का एक पीएच होता है, या पीएच देख रहे, पेट का जो एसिड होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, हमारी जो स्किन का पीएच होता है ना वो 4 से लेकर 6 के बीच में होता है। इसका जब ये पीएच जो है, बहुत सारे बैक्टीरिया चीजें हमारी स्किन पे हमला करती है, अगर इसका ये पीएच मेंटेन नहीं होगा ना तो आगे चल के आपकी स्किन के इन्फेक्शन या स्किन की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। मार्केट का जब हम कोई सोप यूज करते हैं, मैं आपको बता दूं जो साबुन नॉर्मली आप यूज करते हैं ना उसका पीएच लगभग 8 से 10 के बीच में होता है। आपको जरूरत है इस पीएच पे और आप मार्केट में ये वाला पीएच यूज कर रहे हैं, इसीलिए
जब आप इससे हैंड वॉश करते हैं तो ये आपकी स्किन के पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है, मतलब जितना उसको जरूरत है उतना ही पीएच का ये वाला बनाया गया है। इसीलिए बहुत सारा जब आप हैंड वॉश यूज करते हैं, बहुत सारे लोगों को स्किन पे इन्फेक्शन वगैरह की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो आप समझ सकते हैं एक हैंड वॉश पे कंपनी ने इतना ज्यादा सोचा है, वो भी चाहती तो मार्केट की नॉर्मल कंपनी जैसा हैंड वॉश मार्केट में ला सकती थी। दूसरी चीज, हमने इस पे ग्लिसरीन डाला है। मार्केट का कोई हैंड वॉश दीजिए, आप दो तीन बार वो हैंड वॉश में आपको लाइव एक्सपीरियंस बता रही हो। अभी जब मैंने दूसरी कंपनी का एक हैंड वॉश लाया तो मुझे ऐसा ही महसूस हुआ, जब भी आप उससे हाथ धोते हैं कुछ देर के बाद हाथ बहुत ड्राई हो जाते हैं। इसमें हमने ग्लिसरीन भी ऐड कर दिया है। ग्लिसरीन क्या करता है, नेचर से वॉटर को एब्जॉर्ब करता है, ह्यूमेक्टेंट का काम करता है, ताकि आपके स्किन की जो नमी है, आपके जो हाथ की जो स्किन है उसकी जो नमी है वो बरकरार रहे और आपके हाथ नेचुरल तरीके से सॉफ्ट हो। तो ये भी हमारे प्रोडक्ट में एक सेफ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो ये आप कह सकते हैं इट्स नॉट अ नॉर्मल हैंड वॉश, इट्स अ प्रीमियम हैंड वॉश। प्राइस नॉर्मल की ही है, प्राइस मार्केट में जो हैंड वॉश है उसकी ही रखी गई है, लेकिन ये आपको प्रीमियम फैसिलिटी देता है। इसमें रोज और ग्लिसरीन है जो आपके हाथ को सॉफ्ट करता है, आपको उसको हाथ को क्लीन करता है और आपको पीएच बैलेंस देता है। इसमें हमने कोई अल्कोहल नहीं डाला है। तो हैंड वॉश करिए, घर में सैनिटाइजर हो सैनिटाइजर को यूज कर लीजिए, आपका हाथ प्रॉपरली सैनिटाइज हो जाएगा। और कभी आप ये मत सोचिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है किसी रेस्टोरेंट में बैठे बैग में सैनिटाइजर निकाला और दिन भर खाना खाना है तो दिन भर का काम आया और सैनिटाइजर यूज किया और खाना खाने लगे। आपका हाथ डर्टी है, आपने हाथ वॉश नहीं किया, आपने सोचा सैनिटाइजर से कर दूंगा तो हाथ साफ हो जाएगा। आपके हाथ पे ही अगर डस्ट है और आपने उसमें और सैनिटाइजर यूज किया तो और आपकी स्किन के अंदर वो चला जाएगा। इसीलिए एलिमेंट्स ऑफ वेलनेस आपको कहता है कि पहले हाथ को वॉश करें फिर सैनिटाइजर यूज करें, तो जो जर्म्स बच जाएंगे हैंड वॉश से उसको भी ये क्लीन कर देगा, मार देगा। तो इसीलिए, और सैनिटाइजर भी अपनी कंपनी अब लेकर आ ही चुकी है आपके लिए, तो कंपनी हर तरीके से आपका ख्याल रख रही है। और इसको हाथ को वॉश करने का वीडियो आपने बहुत जगह देखा, इसका एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, वो है सुमन के। मतलब पहले हाथ को सीधा उल्टा, आपकी मुट्ठी को साफ करना है, आपके अंगूठे को साफ करना है, आपके नेल्स को साफ करना है। तो आप ये सुमन के बच्चों को बचपन से ही सिखा सकते हैं कि कैसे सुमन के को यूज करना है। हाथ को पहले सीधा वॉश करना है फिर उल्टा वॉश करना है, एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का। एक फनी तरीका भी है कि सुमन के को याद रखो, मुट्ठी को साफ करना है एटलीस्ट 20 सेकेंड तक। ये मैं नहीं कह रही, पूरा इंडिया कह रहा है, 20 सेकेंड तक आपको अपने हाथ को अच्छे से वॉश करना है। अब हम बात करेंगे अपने थर्ड प्रोडक्ट की, और इसके लिए फिर से मैं बता दूं, जो भी लेडीज है वो चाहे तो अकेले में देख सकती है, क्योंकि आज हम थोड़ा डिटेल में जाकर बात करेंगे क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी ट्रेनिंग होने जा रही है। ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये लेडीज के इंटीमेट वॉश के लिए बनाया गया, जो प्राइवेट पार्ट्स है उसके वॉश के लिए बनाया गया। जैसे अगर बात करें आज इंटीमेट हाइजीन की, अगर हम बात करें तो जो लेडीज का वजाइना है, ये जो वर्ड है वो आगे चलकर मैं डी से रिकमेंड करूंगी, आगे रिप्रेजेंट करूंगी उसको। तो लेडीज के जो इंटीमेट पार्ट्स है उसके लिए स्पेशली ये प्रोडक्ट बनाया गया है, क्योंकि वो जो पार्ट है वो बहुत डेलिकेट पार्ट होता है और उसका एक अलग सा साइंस है जो आगे मैं आपको समझाऊंगी उसके पीछे क्या है। अगर हम बात करें लेडीज के इंटीमेट हाइजीन की, तो कहते हैं लेडीज का जो प्राइवेट पार्ट होता है उसकी एक नेचुरल एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, जिसका जो पीएच होता है ना वो एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि वहां पे एक स्पेशल गुड बैक्टीरिया रहता है जो लैक्टिक एसिड बनाने में मदद करता है। तो लेडीज का जो प्राइवेट पार्ट है उसका जो एक पीएच होता है वो बॉडी के पीएच से अलग होता है। उसका जो पीएच है वो 3.5 से 4.5 के बीच में ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि उसी पीएच में एक गुड बैक्टीरिया वहां पे अच्छे से रह पाता है। उस गुड बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए उसको एक घर की जरूरत है, उसका एक पीएच की जरूरत है, जिसका पीएच 3.5 से 4.5 के बीच में होना चाहिए। लेकिन जब ये पीएच डिस्टर्ब हो जाता है तो जाकर प्रॉब्लम होती है। इसीलिए लेडीज का जो प्राइवेट पार्ट है वो अपना बहुत सारा जो क्लीनिंग होता है ना वो खुद से कर देता है, ताकि वहां का जो पीएच है वो मेंटेन रहे। बात करें अगर हम लेडीज के पीएच की, तो जैसा मैंने आपको बताया लेडीज का जो बॉडी का जो प्राइवेट पार्ट का पीएच होता है वो 3.5 से 5.5 के बीच में, 4.5 के बीच में होता है, ताकि जो गुड बैक्टीरिया है वो सर्वाइव कर पाए। लेकिन जब ये पीएच डिस्टर्ब हो जाता है, इस पीएच खराब हो जाता है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत सारी लेडीज को इरिटेशन होने लगती है, उस एरियाज में इचिंग होने लगता है, खुजली होने लगता है, वाइट डिस्चार्ज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और डिसकंफर्ट की प्रॉब्लम होने लगती है। तो पीएच मेंटेन करना उस जगह का बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए
इसके कारण देखे गए कि क्या क्या कारण हो सकता है। बहुत सारी लेडीज बाथ के टाइम पे, नहाने के टाइम पे नॉर्मल साबुन यूज करती हैं, बहुत सारी लेडीज है अच्छे से हाइजीन का मेंटेन ध्यान नहीं देती हैं। लेडीज को बोला जाता है हमेशा कॉटन के अंडरगार्मेंट्स यूज करें, कॉटन के कपड़े पहने, ज्यादा टाइट कपड़े ना पहने, या फिजिकल एक्टिविटी की वजह से भी देखा जाता है, या आप अगर ज्यादा ही आप सोप वगैरह या वॉश वगैरह आप यूज कर रहे हैं तो वो भी वहां के पीएच को डिस्टर्ब कर देता है। जैसे अगर बात करें रीजन क्या देखा जाता है, नॉर्मली जैसा आपको पता है नॉर्मली जो साबुन वगैरह यूज होता है साबुन का पीएच है 8 से 10, और उस जगह का पीएच होना चाहिए कितना, 3.5 से 4.5, मतलब जितना जरूरत है उससे डबल पीएच वो कर देता है, तो वो डिस्टर्ब कर देता है वहां का पीएच, इसलिए वहां पे इचिंग, खुजली, रैशेस, डिस्चार्ज ये सब होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कारण क्या देखा जाता है, बहुत सारी लेडीज जब पैड्स वगैरह यूज करती हैं, और इसीलिए बोला जाता है पैड्स को भी कम से कम 4-5 घंटे के बाद चेंज कर दीजिए, क्योंकि नॉर्मली जो ब्लड का पीएच होता है, क्योंकि जो उन 4 दिनों में जो ब्लड फ्लो होता है ब्लड का जो पीएच होता है वो 7.4 होता है, और वहां का पीएच 3.5 से 4.5 के बीच में है, जिसकी वजह से जो पीएच जब डिस्टर्ब हो जाता है तो बहुत सारी लेडीज में इरिटेशन प्रॉब्लम की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसीलिए कहते हैं पीएच मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मली लेडी जो सोप वगैरह यूज करती है उसके साइड इफेक्ट देखे जाते हैं, मैक्सिमम उस एरिया का एक स्पेशल हाइजीन मेंटेन करने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि बोला जाता है लेडीज का जो प्राइवेट पार्ट है वो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट बोला जाता है, और कहते हैं जितने बैक्टीरिया उस जगह पे होते हैं पूरे बॉडी में उतने बैक्टीरिया नहीं होते, और अच्छे बैक्टीरिया होना जरूरी है। अच्छे बैक्टीरिया जब कम हो जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो आगे चल के लेडीज को प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसमें लैक्टिक एसिड हो, क्योंकि वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, अच्छे बैक्टीरिया उस जगह के वो लैक्टिक एसिड ही बनाने का मदद करते हैं, और जब लैक्टिक एसिड बनता है तो वहां का पीएच जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये क्या करता है, ऐसा कोई प्रोडक्ट जिसमें लैक्टिक एसिड हो तो वहां का पीएच जो है वो बैलेंस रहेगा और आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल आप मेंटेन कर पाएंगे। बात करें हमारा जो ये प्रोडक्ट है प्रीवी वॉश, इसका जो ये आप सिंबल देख रहे हैं पिंक कलर का, ये जो सिंबल हमने इस प्रोडक्ट डब्बे पे लगाया है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे का एक सिंबल है, जिसमें प्रीवी वॉश का मतलब होता है प्राइवेट पार्ट्स के लिए एक ऐसा वॉश जो इंटीमेट वॉश आपको देता है, एक फीमेल हाइजीन के ऊपर बनाया गया, इसलिए प्रीवी का मतलब प्राइवेट हिडन पार्ट्स, एक जिसके लिए बनाया गया उसकी हाइजीन के लिए मेंटेन करने के लिए बनाया गया। माय डियर फ्रेंड आज मैं इतनी डिटेल में जाकर क्यों बात कर रही हूँ, बिकॉज आज बहुत सारी ऐसी लेडीज है जिनको ये प्रॉब्लम है लेकिन वो किसी से डिस्कस नहीं कर पाती है, तो ये बहुत सारी लेडीज को ये इश्यू है, इसीलिए आज हम इस पर डिटेल में लेकर आए। अब इसके कुछ यूनिक बेनिफिट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा माय फ्रेंड, लास्ट में मैं आपको कुछ कंपैरिजन बताऊंगी मार्केट के प्रोडक्ट से। इसमें जो हमने एक यूनिक चीज डाली है ना उसका नाम है सुगानेट 160 NC। ये क्या है, ये एक नेचुरली एक निकाला गया एक सर्फेक्टेंट है, सर्फेक्टेंट मतलब ऐसी चीज जो वॉश के लिए यूज होती है, लेकिन ये बहुत माइल्ड होता है। जैसा आप इस फोटो में देख रहे हैं पहले लेवल पे क्या है, सोडियम लोराइल सल्फेट, उसके नीचे बहुत सारे अलग अलग सर्फेक्टेंट है, और सबसे लास्ट में क्या है सुगानेट। आप देख रहे हैं इसका आपकी स्किन पे इसका कोई इरिटेशन नहीं है, वो इतना माइल्ड होता है कि आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता है और बहुत नेचुरल तरीके से एरिया को साफ करता है। सल्फेट फ्री है, ये वर्ड याद रखिएगा, ये सल्फेट फ्री है, ये आपके स्किन पे बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं देता है, और ये बहुत ज्यादा अच्छा एक फोम भी झाग भी क्रिएट करता है और अच्छे से वॉश करने में मदद करता है, और ये वहां का जो पीएच है ना उसको मेंटेन करने में नेचुरली तरीके से हेल्प करता है। ये मार्केट में आपको शायद ही किसी प्रोडक्ट में ये मिलेगा, मैं आगे आपको बताऊंगी जो मार्केट का लीडिंग जो भी चल रहा है उसके भी कंपेरिजन में मैं आपको बताऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। दूसरी चीज, हमने इसमें कोला लिपिड सी डाला है जो कोकोनट ऑयल से निकाला जाता है, तो कोकोनट ऑयल भी एक नेचुरल चीज है, ये भी नेचुरली निकाला जाता है और इसका एनवायरमेंट पे भी कोई ऐसा असर नहीं है, ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, बायोडिग्रेडेबल जिसको हम कहते हैं, आपके स्किन के लिए भी अच्छा है, सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और अगर वहां पे कोई बैक्टीरिया वगैरह भी है तो उसको भी मारने का काम करता है, स्किन पे कोई इरिटेशन नहीं देता है और बहुत सेफ है, और आपको बहुत स्किन जो होती है वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। तो ये भी हमारे नेचुरली हमने निकाला है कोकोनट ऑयल से, और जो हमने पहला देखा ये भी नेचुरली निकाला जाता है, जो कॉर्न होते हैं उससे ये चीज निकाली जाती है, तो नेचुरली ये दोनों चीजें निकाली गई है। तीसरा है हमने इसमें लैक्टिक एसिड डाला है जो हम मिल्क से निकालते हैं, ये जो है मैंने आपको पहले ही बताया जो प्राइवेट पार्ट्स की जो बैक्टीरियाज होते हैं वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं, तो हमने इसमें लैक्टिक एसिड भी अपना ये डाल दिया है
जो वहां का जो पीएच है उसको मेंटेन करने में, अच्छा रखने में मदद करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो हमारी कंपनी लेकर आई है। और मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे प्रोडक्ट के हर एक स्किन केयर बॉडी केयर के प्रोडक्ट में हमने मिनरल कॉम्प्लेक्स डाला है, क्योंकि स्किन तो पूरे बॉडी पे है, तो जहां पे फेस की जो स्किन की जरूरत है वो हर पार्ट्स की स्किन की जरूरत है। तो ये इसमें भी जो मिल जिंक मैग्नीशियम एंड कॉपर, ये तीन जो इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं वो स्किन को रीजेनरेट करता है, स्किन को नया बनाने में मदद करता है, एक फ्रेशनेस आपको फील होती है। तो ये इसकी सारी खासियत है। और लास्ट में हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज डाली है, एक्वाजेल। ये क्या करता है, स्किन का नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर, मतलब स्किन जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर सके, उसको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को मॉइस्चराइज करता है। तो आपकी स्किन को अच्छा रखने में, स्किन जितनी नमी रहेगी, जितना वो उसका मॉइस्चराइजिंग रहेगा, जितना वो पानी को एब्जॉर्ब करके रखेगा, उतना स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। तो लेडीज को बहुत अच्छी फीलिंग आती है इसको यूज करने के बाद। एडवांटेज क्या है, सबसे पहला सल्फेट फ्री वॉश है, मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, पैराबेन फ्री है, डायऑक्सिन फ्री है, सोप फ्री है, सोडियम लोराइल सल्फेट फ्री है, सोडियम लोराइल एथर सल्फेट फ्री है। ये हर चीज से इसको फ्री बनाया गया। क्यों, लेडीज की जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं उसकी जो स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, उसको बहुत इंटेंस केयर की जरूरत है, तो वो सारे उसका इसमें हमने इसीलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं डाली है। और इसको डेली यूज आप कर सकते हैं, ये इतना माइल्ड रखा गया है कि आप इसको डेली यूज कर सकते हैं। और इसकी बहुत अच्छी एक बेरी फ्रेग्रेंस डाला गया है, तो इसकी खुशबू भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और इसको डर्मेटोलॉजिकली टेस्ट किया गया है कि स्किन पे इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, ये डेली आप यूज कर सकते हैं, ये पीएच बैलेंस को मेंटेन करता है, जो 3.5 का पीएच बैलेंस उसको मेंटेन करता है, आपका जो हेल्दी बैक्टीरिया है उसको बैलेंस करने में मदद करता है। और अगर किसी को बैक्टीरियल वेजिनाइसिस का प्रॉब्लम है, वहां पे इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी होने से रोकता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके रखता है, जलन या इरिटेशन किसी तरीके की नहीं होती है, अगर कुछ स्मेल वगैरह आ रही है तो उसको भी रोकता है, बहुत माइल्ड काम करता है, बहुत हल्की खुशबू है, लॉन्ग लास्टिंग आपको फ्रेशनेस महसूस होगा। और अगर कोई लेडी जिनके पीरियड्स वगैरह चल रहे हैं, मेंस्ट्रुअल वगैरह चल रहा है, उस टाइम पे उसको जरूर यूज करें, 3-4 दिन तो जरूर यूज करें, बिफोर एंड आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी भी आप कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के जो टाइम चल रहा है उस समय इन्फेक्शन के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, और डिलीवरी के बाद भी आप इसको यूज जरूर करें। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। डायरेक्शन ऑफ यूज, 10 ml लेना है, प्राइवेट पार्ट्स पे आपको उसको लगाना है, और जब भी आप नहाते हैं तो सुबह शाम भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी आप नहाए तो उसको जरूर यूज करें, आंखों से दूर रखना है, और एक्सटर्नल यूज के लिए ही इसको बनाया गया है। बेंचमार्क की बात करें, जितने भी लेडीज आ रही है ट्रेनिंग अटेंड कर रही होंगी, उनको पता होगा मार्केट में एक बहुत ही लीडिंग ब्रांड है जिसको हम कहते हैं वी वॉश। वी वॉश का नाम बहुत सारी लेडीज ने सुना होगा। वी वॉश की अगर हम खासियत की बात करें, वी वॉश और हमारे प्रोडक्ट में डिफरेंस क्या है, वी वॉश जो हमारा प्रोडक्ट है, सबसे पहले इसमें हमारे प्रोडक्ट को सल्फेट फ्री बनाया गया है, वी वॉश में सल्फेट है। दूसरी चीज, इसको डायऑक्सिन फ्री बनाया गया है, जो वी वॉश में जो सल्फेट डाला गया है वो स्किन इरिटेंट होता है, स्किन को थोड़ा सा इरिटेट कर देता है, लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट में सल्फेट फ्री बनाया गया है। और दूसरी चीज, हमने इसमें डायऑक्सिन फ्री बनाया है, जो आगे चलकर कैंसर होने के जो चांसेस है उसको भी होने से मतलब होने का कारण बनता है। तो ये दोनों से हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेफ है। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है, मार्केट के प्रोडक्ट में आपको सोडियम लोराइल एथर सल्फेट पाया जाता है, बट हमारा जो प्रोडक्ट है प्रीवी वॉश जो है वो मार्केट में सबसे माइल्ड और सबसे सेफ प्रोडक्ट इंटीमेट का है, ये हमारी कंपनी आपको गारंटी कहती है। तो ये आप लोगों को बता सकते हैं, आज बहुत बड़ा मार्केट इसका ऑलरेडी मार्केट में है। तो ये हमारे प्रोडक्ट